हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब लोग सिर्फ एक ही बात डिस्कस करते हैं, वो है सेल्फ रिलायंट। हमें अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारा भी अपना एक खुद का बिजनेस हो। ठीक है, बिजनेस का आइडिया तो आपको मिल गया, आपको ये भी पता चल गया कि मुझे फंडिंग कैसे अराइज करनी है, बट उसके बाद भी हमारी कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे पहुँचाएं, हाउ द लोकल प्रोडक्ट विल बिकम अ वोकल प्रोडक्ट। मेरा लोकल प्रोडक्ट कैसे ग्लोबल प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए भी आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम यह है कि यार मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं, और अगर मैं अपने बिजनेस को सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं अपने ऑपरेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, अब मार्केटिंग के लिए क्या मुझे अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा भाई? बट ऑब्वियसली चीज़ है, ये तो करना पड़ेगा। बट उसके बाद भी गवर्नमेंट की एक MSME स्कीम है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट आपको मार्केटिंग असिस्टेंस देगी। यानी कि अगर आप भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराएगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस रिमबर्स भी कराएगी, यानी कि उसमें आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराएगी। बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम के बारे में। ये आपको आसानी से कभी भी गूगल पे सर्च करोगे आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ब्रीफ में हर एक इसके पहलुओं के बारे में आपको सामने डिस्कस कर दूं। देखिए, जब भी मैं मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम की बात करता हूं तो यह बात याद रखिएगा, यहां पे आपके प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज बनाने की कोशिश की जा रही है, आपके प्रोडक्ट को हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप जब एग्जीबिशन में अपने आप को पार्टिसिपेट कराओगे तो उसमें जितना भी खर्चा आता है उस खर्चे को आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए इस बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। उससे पहले मैं हूं देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्कीम में क्या है। देखिए, इसका जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि ये चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ को और कॉम्पिटेंसीज़ को, तो ये इनका एक मेन मोटो है। और ये बेसिकली जो बेनिफिट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये MSME को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में आ सकें और लार्ज इंस्टीट्यूशनल बायर ये अपने लिए कलेक्ट कर सकें। यहाँ तक तो ठीक है, ये जो इनके एडवांटेजेस हैं वो सब तो ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको बेनिफिट से प्रोवाइड करने वाले हैं, सीधे हम उसके पास चलते हैं। देखिए, जब मैं सबसे पहले बात करूंगा तो मैं बात करता हूं अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है और आप फॉरेन कंट्री में जाकर के कुछ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो, तब उस केस में आपको कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। अब ये असिस्टेंस कैसी होगी, जरा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में आप जाते हो, तब उस केस में फॉरेन कंट्री में अगर आप जाते हो तो जितना भी भाई आप जब भी किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको काउंटर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और अगर वो काउंटर चार्जेस आपके ऊपर लेवी होंगे तो उसमें आपको 75% तक असिस्टेंस मिलेगा। यानी कि अब आपको केवल 25% अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 75% गवर्नमेंट पे कर देगी अगर आपका स्केल माइक्रो है। स्मॉल के केस में 60% और मीडियम के केस में 25% का गवर्नमेंट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आप किसी रीजन के थ्रू आते हो या कोई वुमेन कैटेगरी में आते हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के थ्रू आते हो, जैसे कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से अगर आप आते हो, तो ये असिस्टेंस बढ़ करके 95%, 85% और 50% हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके आने जाने के लिए जो को ले जाने के लिए, गुड्स को वहां तक पहुंचाने के लिए भी आपको 25,000 रुपीज तक का मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसा कि यहां पे इन्होंने लिख रखा है। और आपके आने जाने के लिए जो एयर फेयर होते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 85%, 75% एंड 25%, जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए लेवी होगा। इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं, किसी नॉर्मल प्रोडक्ट की तरफ बात करते हो, तो उसमें भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें भी सेम यही चीज होगी, 75%, 60% एंड 25%, जो भी आपका काउंटर चार्ज होगा उसमें आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, नॉर्थ रीजन में आते हो, या अगर आप वुमेन हो, तो उस केस में भी आपको जो स्कीम मिलेगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 95%, 85% और 50% मिलेगी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ठीक है, ये तो थी फॉरेन की बात। हमको फ्रेट चार्जेस का भी बेनिफिट मिल रहा है, हमको आने जाने के एयर फेयर का भी वेजेस बेनिफिट मिल रहा है, सब कुछ बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट को अभी इंटरनेशनली नहीं ले जाना चाहता, मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिकली पहले तो सपोर्ट करवाऊँ, मेरा प्रोडक्ट डोमेस्टिक तो अपनी तरह से अच्छी तरह से पॉपुलराइज हो, इसके बाद मैं इंटरनेशनल जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको डोमेस्टिक के बारे में भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता भी दूँ कि ये जो बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, ये हर तरीके का बेनिफिट, चाहे आपके आने जाने का हो, चाहे गुड्स के आने जाने का हो, चाहे वहाँ पे जो काउंटर के चार्जेस होते हैं उसका हो, हर तरीके का आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक एग्जीबिशंस के बारे में। हमारी कंट्री में लगभग हर स्टेट, हर डेवलप्ड स्टेट
रेगुलर बेसिस पे कुछ एग्जीबिशंस कराते हैं। और अगर आप नहीं जानते हो बहुत सारे एग्जीबिशन के बारे में, तो अभी गूगल करिए और सर्च करिए। अपने प्रोडक्ट को अगर आपको पॉपुलर बनाना है तो नो वन इज़ गोइंग टू कम टू यू, कोई आपके पास नहीं आएगा आपके प्रोडक्ट को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। मैं सीए देवेंद्र झा आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट को ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आइए हम बात करते हैं डोमेस्टिक एग्जीबिशन के बारे में। सबसे बड़ा डोमेस्टिक एग्जीबिशन अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में होता है नवंबर मंथ में, चिल्ड्रंस डे के सेलिब्रेशन के टाइम पे, यानी कि 14 नवंबर के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, जिसमें एन नंबर्स ऑफ कंपनीज आती हैं अपने ग्लोबल प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज हों, चाहे इंडियन की कंपनी कंट्रीज हों, सारे कंपनियां लगभग आती हैं और अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। तो एक वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पे ग्लोबली बहुत सारे लोग आते हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं। उसमें भी आपको असिस्टेंस मिलेगा, उसमें भी जो असिस्टेंस का तरीका है वो भी बहुत सिंपल है। जो भी वहाँ के चार्जेस होंगे, जितना भी आपका खर्चा होगा स्पेस चार्जेस का, उसमें आपको 75% की सब्सिडी मिल जाएगी, 60% और 25% की सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन उसी तरफ अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ से आते हो, या वुमेन हो, या एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप आते हो, तो भी आपको जो बेनिफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 95%, 85% एंड 50%। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी गवर्नमेंट पीछे हटने वाली है आपको इस तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड कराने में। देखिए, जब भी मैं बेनिफिट की बात करता हूँ तो हर जगह पे कुछ कैप लगा हुआ है, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट है। यूजुअली कहीं 15 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 25 लाख है, कहीं 40 लाख है, हर जगह का अपना अपना एक कैप है। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक अपर कैप लगा रखा है, यानी कि अगर आपको उससे ज़्यादा भी खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी, बट उसके लिए आपको फिर स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को यह बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना कीमती है, जो कितना बड़ा चेंज ला सकता है हमारी कंट्री के लिए, या ग्लोबली, या हमारी किसी भी सोसाइटी के लिए। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडियन लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप अपनी मार्केटिंग चाहते हो, तब आपको जो मैक्सिमम अमाउंट की रिलीफ दी जाएगी वो 45 दी जाएगी। ये मैक्सिमम अमाउंट है। इनिशियली जो आपको दिया जाएगा वो 15 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से, तब जाकर के आपको ये अप टू द एक्सटेंड ऑफ 45 लाख रुपीज़ तक का असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये कम है। अगर आप सचमुच चाहते हो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाना, अगर आप सचमुच चाहते हो अपने लोकल प्रोडक्ट को वोकल प्रोडक्ट बनाना, अगर आप सचमुच चाहते हो कि अपनी खुद की पहचान बनाना, तो ये बहुत 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 अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी गई है। ज़रूर इसको अवेल करिए और अपने प्रोडक्ट को स्ट्रांग बनाइए और हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।